अंकल कौन सा फल है? ये है भैया आड़ू बोलते ही वो क्या बोलते हैं फल, हम यहाँ बोलते हैं आलू बुखारा। आलू बुखारा अजीब का नाम है, कैसे दे रहे हो? छोटा है वो बड़ा है। कैसे दे रहे हो? 10 रुपये के। 10 रुपये एक इसमें का? हाँ एक गिलास पूरा। अच्छा मेरे को लगा एक पीस दे रहे हो। मैं अपने यहाँ यूपी के लोग अपने द्वार पे घर के सामने आम का पेड़ और अमरूद का पेड़ लगाते हैं, वैसे यहाँ के लोग अपने घर के सामने सेब का पेड़ लगाते हैं। अभी मैं जोगनी वाटर्स फॉल्स घूम कर जा रहा हूँ नीचे, और अब भाई बर्फ़ में घूमने को मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन मनाली में बर्फ़ है ही नहीं, और जो बर्फ़ है भी वो पहाड़ की चोटियों पर है, तो वहाँ पे तो कोई चीज़ जा नहीं रही है। तो कल मैं बर्फ़ में घूमने के लिए जा रहा हूँ दूसरी जगह, और वो कौन सी जगह है वो तो वही वीडियो में मालूम चल जाएगा। और उस जगह जाने के लिए मुझे टिकट भी बुकिंग करवाना है, जो कि माल रोड से, और आज हम माल रोड भी घूमने वाले हैं मनाली का। और अभी हम यहाँ से नीचे उतर कर सबसे पहले हम कुछ खाएँगे, क्योंकि भाई भूख बहुत तेज़ी से लग चुकी है, और जो आलू पराठे खाए थे वो कब का नहीं गायब हो चुके हैं, जो कि कब वो ख़त्म हो गया पेड़ से भाई मालूम ही नहीं चला। तो चलेंगे सबसे पहले नीचे कुछ खाएंगे, फिर चलेंगे मनाली माल रोड। ये देखिए भाई ढेर सारे सेब के पेड़ हैं, और इस पेड़ में देखिए कितने ढेर सारे सेब लगे हुए हैं, और इस साइड में भी काफ़ी पेड़ हैं। ये पूरा बाग ही है सेब का। ये काफ़ी बड़ा बाग है ये सेब का, और ढेर सारे सेब भी लगे हुए हैं। अभी मैं पैदल चलते चलते मैं थक चुका हूँ, तो यहाँ पर बैठकर आराम करने लगा हूँ। और अभी मैंने खाया था मैगी, और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ के ढाबों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेपाली लेडीज ही मिलेंगी, और ये काफ़ी अच्छी हिंदी भी बोल लेती हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है जो हिंदी बोल लेती हैं। और इस साइड में है व्यास नदी, और काफ़ी लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और मैंने व्यास नदी पहले ही दिखा दिया है। और इस साइड में ब्रिज पार करके हमें जाना है मनाली माल रोड, और इस साइड में तो काफ़ी सारे पेड़ हैं बड़े बड़े। ये है मनाली बस स्टैंड, और आप दिल्ली चंडीगढ़ शिमला कहीं से भी आओगे तो आप इसी बस स्टैंड पे आओगे, और मुझे टिकट जो बुकिंग करवाना है वो बस स्टैंड से ही करवाना है। देख सकते हैं काफ़ी सारी बसें भी खड़ी हैं। तो फाइनली अभी मैंने टिकट बुकिंग करवा लिया है, और कल सुबह हम निकलेंगे भाई बर्फीले इलाकों के लिए। और अभी मैं हूँ मनाली के फेमस माल रोड पे, जो कि देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और जैसे जैसे अभी ये शाम होगा वैसे वैसे अभी भीड़ बढ़ती ही चली जाएगी। और ज़्यादातर जब नेट पे सर्च मारो मनाली तो ज़्यादातर इसी रोड का इमेज आता है, और काफ़ी सारी दुकानें भी हैं जो कि देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर आप आकर अपनी मनचाही शॉपिंग भी कर सकते हो। देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती ही चली जाएगी। वहाँ पे देखिए काफ़ी लोग बैठकर भैया एंजॉय कर रहे हैं, और ज़्यादातर नेट पर इसी रोड का इमेज आता है जब सर्च मारो। देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है अभी, और भी जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे और भी भीड़ बढ़ती चली जाएगी। और देखिए भाई दुकान काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो कि तरह तरह की चीज़ें भी बिक रही हैं। मैं तो भाई कुछ खरीदूँगा नहीं, क्योंकि मेरा बैग पहले से ही फुल है। देखिए ये यहाँ पे शॉल्स देखिए भाई कितने खूबसूरत खूबसूरत बिक रहे हैं। अंकल कौन सा फल है? ये है भैया आड़ू बोलते ही वो क्या बोलते हैं फल, हम यहाँ बोलते हैं आलू बुखारा। आलू बुखारा
अजीब का नाम है, कैसे दे रहे हो? छोटा है वो बड़ा है। कैसे दे रहे हो? 10 रुपये की। 10 रुपये एक इसमें का? हाँ, एक गिलास पूरा। अच्छा, मेरे को लगा एक पीस दे रहे हो। वो 3 पीस है, ये ज़्यादा है। चलो ये ले लेते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ होटल में, और मैं इतनी जल्दी इसलिए होटल चलाया क्योंकि कल सुबह मुझे बहुत ही जल्द ही जगना है, क्योंकि मुझे 8 से 8:30 बजे तक बस स्टैंड पहुँचना है, फिर हम चलेंगे बर्फीला इलाका। और कल के वीडियो में तो भाई ढेर सारा मज़ा आने वाला है। और आज हमने खाया आलू बुखारा फल, ऐसा ही अंकल नाम बता रहे थे, हाँ ऐसा ही नाम था, चलो कोई बात नहीं। तो हमने आज खाया आलू बुखारा, और ये फल हमने आज पहली बार खाया है, और इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया है। और इस फल का स्वाद जैसे अपने यहाँ पे बेर का होता है उसी तरह का स्वाद था। हमारे गांव में तो भैया बैर बोलते हैं, और काफ़ी जगहों पे बेर बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव में बैर बोलते हैं, तो उसी तरह का स्वाद था। और जैसे अपने यहाँ यूपी में, अपने यहाँ यूपी के लोग अपने द्वार पे घर के सामने आम का पेड़ और अमरूद का पेड़ लगाते हैं, वैसे यहाँ के लोग अपने घर के सामने सेब का पेड़ लगाते हैं। भाई सेब तो काफ़ी महंगा बिकता है, लेकिन आम और अमरूद का फल जो है वो तो भैया मद्दा बिकता है, लेकिन सेब काफ़ी महंगा बिकता है। तो यहाँ के लोग अपने घर के सामने सेब का पेड़ लगाते हैं। तो एक चीज़ और पूछना था आपसे भाइयों से, अपने यहाँ अगर यूपी में सेब का पेड़ लगाया जाए तो फल फरेगा कि नहीं फरेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सेब फरेगा कि नहीं फरेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं नए नए वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तो तब तक लिए टाटा बाय बाय।